और आप देखेंगे मैं जहां पर खड़ा हूं और इससे आगे से लगभग देवप्रयाग आने वाला है, देवप्रयाग विधानसभा का क्षेत्र है और वो पौड़ी लोकसभा में है, ये लास्ट एरिया है। और मैं पूछ के देखता हूँ कुछ लोग यहाँ पर हैं। मैं अपने मीडिया सर्वे मेरा चल रहा है, मीडिया सर्वे रिपोर्ट के लिए, मीडिया के लिए। सर आपका क्या नाम है साहब? रूप सिंह नेगी। नेगी जी, क्या लग रहा है आपको, आपका क्षेत्र कहाँ के रहने वाले, आप कौन सी जगह पर आप खड़े हैं? हम कानीखाल में। कानीखाल, क्या लग रहा है सर आपको, किसी सरकार आने वाली, किसको आप चाह रहे हैं? कुछ पता नहीं लग पा रहा सर यहाँ। फिर भी आपकी बार क्या मान के चले, पता नहीं लगने वाला क्या ट्रेंगलोर में है क्या बीजेपी कांग्रेस निर्दलीय या भाजपा या उत्तराखंड क्रांति दल, क्या मान के चल रहे आप, कौन दौड़ में? वैसे लोग ज्यादा कांग्रेस और बीजेपी को मान के चलते हैं यहाँ। चलो निर्दलीय का क्या जगह है यहाँ पर, है उनका भी क्या है? लग रहा है यहाँ पर क्या बीजेपी के फेवर में क्या? हाँ बीजेपी के फेवर में भी है। क्यों लोग फेवर में, जो उठाए गए कैंडिडेट्स क्या वो यहाँ पर आए हैं, क्या आप लगता है ठीक ठाक है? तो कुछ नहीं है। चलिए फिर क्या कहेंगे आप, क्या आपका सरकार के लिए यदि गवर्नमेंट आती है बीजेपी, क्या कहेंगे आप? क्या बोल रहे हैं? चलिए बहुत बहुत एक और बुजुर्ग मिलते हैं साहब, आपका नाम क्या है? कमल सिंह रावत। रावत जी क्या कहना चाहते हैं आप, जो इलेक्शन होने वाले किसकी दौड़ यहाँ पर ज्यादा है? ज्यादातर दोनों पार्टी की है यहाँ पे ज्यादा। किसकी? कांग्रेस और भाजपा। बराबर है क्या? तो क्या मान के चले कौन रहेगा 19-20 आगे, कौन निकलने वाला है? आगे निकलेगी भाजपा। भाजपा, क्या आपकी बार भाजपा आनी चाहिए, आप फेवर में क्या होना चाहिए, क्या है, क्यों है आप बीजेपी के फेवर में? मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं। कई जगह पर शिकायत आई कि जो यहाँ पर कैंडिडेट है वो ठीक है, कि आप सेटिस्फाई हैं उनसे? ना। कौन ज्यादा पॉपुलर है यहाँ पर, बीजेपी कैंडिडेट कांग्रेस कैंडिडेट? बीजेपी का होगा, यहाँ पे दो सांसद आ गए हैं ना इसमें। अच्छा किसके, आपका क्या नाम है? बहुत बहुत धन्यवाद राव जी, क्या नाम है आपका? गिरवीर। क्या कह रहे चार आप गिरवीर जी, आप ये दो सांसद क्षेत्र है ना? राइट, किस किस का? दोनों तरफ बीजेपी की चल रही है अभी तक। अच्छा दोनों बीजेपी वाले हैं, तो क्या लग रहा है आपको, क्या परिवर्तन की जरूरत नहीं है? कई जगह डिमांड है कि ये पुराना सिस्टम 70 साल वाला हटाया जाए, कोई नया चेहरा लाया जाए, क्या ऐसा हो सकता है, क्या संभव है? वो तो है, पर देखो अभी बीजेपी की लहर है। अच्छा लहर है, तो शायद क्या बीजेपी यहाँ के लिए फायदेमंद है? फायदेमंद है बीजेपी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, कहीं ना कहीं मोदी का फिर दोबारा दिख रहा है कि मोदी फेवर लोग ज्यादा है, हालांकि यहाँ पर कांग्रेस का भी पोस्टर लगा हुआ है और कहीं ना कहीं लोग मोदी के फेवर में लगते हैं। और ये मैं अभी बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पे खड़ा हूँ और ये आपको सामने गेट दिखाई दे रहा है, ये टिहरी लोकसभा का आखिरी गेट है, इससे आगे पौड़ी लोकसभा चालू हो रहा है और ये लास्ट मार्केट है यहाँ का। और ये टिहरी लोकसभा का एक कॉर्नर है, एंड अप श्रीनगर का रोड है, ये आगे से पौड़ी लगने वाला है। बस ये हमारी यहाँ तक मुहिम समाप्त है, अब हम आगे और जाने वाले हैं, नई टिहरी की ओर जाने वाले हैं। बिल्कुल अब मैं नई टिहरी की ओर जाने वाला हूँ। महेश बोगुणा एन न्यूज़ के लिए विक्रम कैमरामैन के साथ बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पर पहुँचे हम, आगे से पौड़ी लोकसभा चालू होने वाली है, यहाँ से वापस जा रहे हैं अपने क्षेत्र नई टिहरी की ओर और देखते हैं आगे क्या निकलने वाला है। कहीं ना कहीं ट्रेंगुलर में नजर आ रहा है यह लगा।